नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं। देख सकते हैं कि शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए 9वीं व 10वीं की NCERT SCERT पुस्तक पढ़ें। जी हाँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि देख लीजिए, शिक्षक बहाली के 9वीं और 10वीं की NCERT पुस्तक पढ़िए। 170,000 शिक्षकों की नियुक्ति, विशेषक ने कहा सेट प्रैक्टिस से अच्छे अंक मिलेंगे। BPSC ने प्रश्न पत्र का फॉर्मेट भी किया है जारी। सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करें, रिवीजन पर पूरा ध्यान दें। 2 पेपर की होगी परीक्षा, पहला भाषा और दूसरा GS का होगा। हर प्रश्न के 5 ऑप्शन, गलत जवाब पर 1 अंक कटा जाएगा। एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स है, वो हम आपको देने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को विस्तार से देखते हैं। ये खबर पटना छप के आ रही है और दैनिक भास्कर में इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। BPSC की ओर से शिक्षकों के 1,70,461 पदों पर भर्ती के तहत आवेदन प्रक्रिया जारी है। लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इधर BPSC ने प्रश्न पत्र का फॉर्मेट भी जारी किया है। अभी अभ्यर्थी असमंजस में हैं कि क्या पढ़े और क्या नहीं, दिए गए फॉर्मेट के अनुसार वे तैयारी कैसे करें, क्योंकि परीक्षा में अब सिर्फ 1 महीने का समय बचा है। दैनिक भास्कर ने इस संबंध में परीक्षा विशेषज्ञ से बातचीत की और यह बात निकल कर सामने आई कि अभ्यर्थी सिर्फ 9वीं 10वीं की NCERT और SCERT यानी CBSE और बिहार बोर्ड के सिलेबस को ही पढ़ ले तो वह परीक्षा आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिस विषय के वे शिक्षक बनना चाहते हैं उसमें 11वीं व 12वीं का NCERT और SCERT का भी सिलेबस पढ़ ले तो काफ़ी होगा। सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करें, रिवीजन पर पूरा ध्यान दें। छात्रों को अपने विषय और भाग 2 के सभी हिस्सों की तैयारी NCERT के अनुरूप करनी चाहिए। सेट प्रैक्टिस व गुणवत्तापूर्ण टेस्ट में भाग लेना चाहिए। सभी छात्रों को प्रथम पेपर जिसमें भाषा से संबंधित प्रश्न होंगे उनका अध्ययन भी करते रहना चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से ध्यान दूसरी मुख्य परीक्षा पर देना चाहिए जिसके आधार पर चयन होगा। उसके साथ ही अपने आप को नकारात्मक विचार वाले लोगों से दूर रखें और सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करें, रिवीजन पर ध्यान दें। 2 पेपर की परीक्षा होगी, पहला पेपर भाषा का होगा जिसके बाद 2 भाग होंगे। पहले भाग में अंग्रेजी के 25 प्रश्न सबके लिए होंगे और दूसरे भाग के 75 प्रश्नों के लिए 7 परीक्षा के दौरान ही हिंदी, उर्दू, बंगला में किसी एक का चयन करेंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। भाषा की परीक्षा में प्रतांग मेरिट में नहीं जुड़ेंगे और इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है। प्राथमिक स्तर की मुख्य परीक्षा में गणित, मानसिक क्षमता, समान जागरूकता, समान विज्ञान, समाज विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आएंगे। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय की मुख्य परीक्षा के 2 भाग होंगे। पहले भाग से विषय आधारित 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और दूसरे भाग में गणित, मानसिक क्षमता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समान जागरूकता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल से संबंधित 120 प्रश्न होंगे। यहाँ देख सकते हैं कि हर प्रश्न के 5 ऑप्शन, गलत जवाब पर 1 अंक काटा जाएगा। शिक्षक भर्ती में कुल 3 प्रकार के पद हैं और उनके ही अनुसार परीक्षा ली जाएगी। आयोग ने OMR का नमूना भी दिया है जिसमें यह स्पष्ट है कि परीक्षा में 5 ऑप्शन होंगे और गलती करने पर 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। जैसे सही जवाब के लिए अगर 4 अंक है तो गलत जवाब पर 1 अंक काटा जाएगा। एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं। हर दिन कम से कम 3 सेट की प्रैक्टिस करें। अच्छे गाइड का चयन कर उससे पढ़ाई करें। 3 अभ्यर्थियों का ग्रुप बनाएं और टॉपिक्स पर डिस्कशन करें। नकारात्मक सोच से बचें। मैथ में समय का ध्यान रखें। फॉर्मूला याद करें। 1 साल का करंट अफेयर पढ़ लें। उच्च माध्यमिक के लिए स्नातक और PG स्तर से कुछ प्रश्न होंगे। एक्सपर्ट M रहमान प्रतियोगिता परीक्षाओं के विशेषज्ञ हैं, ये उनका कहना है। तो इस तरह का अगर फॉलो अगर आप करते हैं तो ज़रूर आप पास कर जाइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगी दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर रहें, बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।